दोस्तों, रिसेंटली एक चीज बहुत ही बड़ी हॉट टॉपिक बनी हुई है और वो है आरएम एक आर्मी से शादी करने वाले हैं और वो भी बहुत जल्द। तो बीटीएस लीडर आरएम शादी करने वाले हैं, ये बात आरएम से पहले किसी और को पता चली और वो थी एक कोरियन अमेरिकन कम्युनिटी वेबसाइट जिसने एक आर्टिकल लिखा आरएम की शादी को लेकर कि आरएम जल्द ही शादी करने वाले हैं और उनकी होने वाली वाइफ कोई और नहीं बल्कि एक आर्मी है। इसके बाद से ये न्यूज काफी तेजी से फैलने लगी और इसे वायरल कर दिया एक यूट्यूब चैनल ने, जिन्होंने दो लोगों की बातचीत का एक चैट दिखाया जिसमें कि एक लड़की खुद को आरएम की वाइफ की फ्रेंड बताते हुए किसी और से चैट कर रही थी और उसने चैट में बताया कि आरएम की होने वाली वाइफ उनसे 7 ईयर छोटी है और वो जल्दी ही आरएम से शादी करने वाली है। इसके साथ ही चैट में उसने बताया कि वो और आरएम 2014 के एक फैन साइन में मिले थे और तब से ही दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और अब जल्दी ही शादी करने वाले हैं। और इसके बाद से ये न्यूज वायरल हो गई और जंगल में आग की तरह फैल गई। दोस्तों, इसे जानने के बाद आर्मी इसको समझ नहीं आ रहे थे कि ये क्या हो रहा है और वो क्या रिएक्ट करे। कुछ आर्मीज बहुत ही ज्यादा टेंशन में थी तो कुछ आर्मीज को अपनी आंखों पे बिलीव नहीं हो रहा था तो कुछ आर्मीज खुश भी थी कि फाइनली आरएम एक आर्मी से शादी करने वाले हैं और ये इतना ज्यादा ट्रेंड करने लगा कि खुद बिग हिट को आकर अपना स्टेटमेंट देना पड़ा। दोस्तों, बिग हिट ने इस न्यूज को पूरी तरह फेक बताते हुए कहा कि ऐसे किसी भी रूमर पे बिलीव ना करें क्योंकि फ्रेंड्स, बीटीएस अपनी कोई भी बात आर्मी से नहीं छुपाते और अगर बात शादी की हो तो आरएम अपनी शादी की बात आर्मी से तो जरूर ही शेयर करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह के लोग हर महीने न्यू डेटिंग रूमर्स को लेकर आ जाते हैं और उन्हें हॉट टॉपिक बना देते हैं क्योंकि इनके पास दूसरा कोई काम नहीं होता। तो आप सभी ऐसे किसी फेक रूमर्स पे बिलीव मत करना। बाकी ये थी आज की वीडियो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।